अरे छोड़ ना चल रहा है काट लिया अपने आप के लिए धन्यवाद करे यीशु ने जो हमको दिया आज के अवसर के लिए धन्यवाद करे यीशु ने जो हमको दिया धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे प्रेमी प्रभु यीशु धरती पर आया और मानव रूप लिया प्रेमी प्रभु यीशु धरती पर आया और मानव रूप लिया धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे जल्दी आता है देखो बादलों पर वो उठाया जाएगा जो विश्वासी हो जल्दी आता है देखो बादलों पर वो उठाया जाएगा जो विश्वास में हो धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आओ धन्यवाद करे आज के अवसर के लिए धन्यवाद करे यीशु ने जो हमको दिया आज के अवसर के लिए धन्यवाद करे यीशु ने जो हमको दिया वचन से पढ़ेंगे भजन 127 भाई विशाल के द्वारा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरतोज को उनसे भर लिया हो वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा आमीन या परमेश्वर का फल परमेश्वर का धन्यवाद आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रेमी प्रभु यीशु आपने हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस घर के शिलान्यास के समय आप हमारे साथ रहेंगे आपने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इस परिवार के साथ मिलकर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं
आपने इन बच्चों के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इस घर को बनाया। इस घर इस कारण हम इस घर को आपके नाम में समर्पित करते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन आपकी उपस्थिति भेजकर हमें आशीषित कीजिए। आपके अनुग्रह से इस घर के सदस्यों को और हम सब को ढांप कर सुरक्षित रखिए। आपका नाम महिमा पाए हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु के नाम में। जैसे कि भजन संहिता 127 अभी हम सबने पढ़ा है और भजन संहिता 127 ये कहता है, यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर को बनाना परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, पति पत्नी के लिए, उसके बाद बच्चों की आशीष और घर साथ में घर, इसलिए ये सब परमेश्वर की ओर से आशीष ठहराई जाती है। और आज भाई बिलिंदर और पूनम को बच्चों के साथ इस घर में प्रवेश करने का मौका मिला है और ये घर प्रभु यीशु की दया से और उसके अनुग्रह से ये बेटी और परिवार खरीद पाया है और जिसमें हम सब यहाँ पर शामिल होकर उस सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा कर पाए। तो आज हम इस घर का उद्घाटन करने के लिए और इसमें प्रवेश करने के लिए उसकी ओर से ये दिन ठहराया गया था कि वो अपने बच्चे के साथ एबिगेल के साथ इस घर में प्रवेश करें और ये प्रभु की दया हुई इस परिवार के ऊपर, तो उनको भी मौका देंगे हम बोलने के, लेकिन अभी नहीं, अंदर जाने के बाद। तो अभी हम फिर से समर्पण की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस परिवार को आपकी इच्छा के अनुसार आपने इस घर में प्रवेश कराया, इसलिए धन्यवाद हो। इन बच्चों को और उनके घर को हम आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। उन्हें आपका हाथ बढ़ाकर आशीष दीजिए। आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके बच्चों की सब वस्तुओं की रक्षा कीजिए। उनकी आमदनी और खर्च आपके नाम की महिमा हेतु होने पाए। इस परिवार में तंदुरुस्त पीढ़ियों को प्रदान करें। हम नम्र होते हैं और आपकी सृष्टि के कार्य की महानता की सराहना करते हैं। आपके इन बच्चों के हर कार्य में आप उनके सहायक और अगुवा बने। ये लोग भीतर आते समय और बाहर जाते समय प्रभु की सुरक्षा में रहे एवं उनकी सब आवश्यकताओं में प्रभु का भंडार खोलकर सब प्रकार की आशीषें अपने नाम की महिमा और आदर के लिए देकर इस परिवार पर सहायता करें। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के महिमा में नाम के कारण हमारी प्रार्थना सुनिए। आमीन। गीत गाइएगा कोई जन। यीशु ने जो हमें को दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अवसर के लिए करता हूँ। और ये घर यीशु ने जो हमें को दिया, प्रभु की धन्यवाद करें। आइए हम इस घर को खोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में और इस परिवार के साथ और आप सब के साथ खुशी के साथ और चांदना और ज्योति लेते हुए अबीगेल के साथ हम इस घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस घर को यीशु के नाम में खोलता हूँ, उसकी महिमा के लिए, उसके लोगों के लिए, और ये परिवार हमेशा समर्पित रहे। आज यीशु मसीह के पाक नाम में ये घर खोला जाता है। आमीन। आपका स्वागत इस घर में, आइए। आप सबका भी स्वागत है। गीत गाइए, गीत गाते के लिए धन्यवाद।